देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। आशियाना बसने के साथ ही उजाड़ भी दिया गया मां बेटे का छत। महज 6 घंटे में ही गोविंद ने एक बार फिर कर दिया अपनी पत्नी और बेटे को बेघर। पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस कप्तान के पास, लगाई इंसाफ की गुहार। मामला सहायक खजांची थाना क्षेत्र के माधोपाड़ा का है, जहां गोविंद ने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी और इन दोनों को बेदखल कर दिया। इसके बाद बीते रविवार को दोनों माँ बेटे ने गोविंद के खाली जमीन पर ही मकान बनाया था, जिसमें समाज का एक बड़ा तबका इन माँ बेटे के साथ उस खाली जमीन पर पहुंचा और घर बनाने की पहल की, मगर रात होते ही एक बार फिर से इनके आशियाने को उखाड़ फेंक गया। कौन परेशान कर रहा है? गोविंद यादव, उसका दोनों बेटा अर्जुन और ये संतोष, और उसकी पत्नी पूनम देवी। पत्नी है कि क्या है, घर घुसा लिया ही नहीं जानते हैं हम, लेकिन सब अभी हम लोग को परेशान। गाड़ा गाड़ी अभी गाड़ी तोड़ने के लिए आया, मोटा सा डंडा लेकर के मार देंगे, पीट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और खूब गंदा गंदा गाली थे आगे पूरा घेर लिया। ये अभी घर आप लोग बना रहे क्या? हाँ अभी हम इसका लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहा है? कहता है कि तुमको हम पहचानते ही नहीं है, तुम कौन हो नहीं हो हम नहीं जानते। कितना दिन से अलग था वो? अलग अभी तक कितना दिन हुआ? आप जो दोनों अलग हुए हैं 2014 से। इधर देखो, इधर देखिए। हाँ मैं बेटा तो वो आपको रहने के लिए इधर देखिए। नहीं तो आप इसके लिए थाना या फिर सब कुछ किए, कोर्ट कचहरी केस मुकदमा सब किए। अब हमारे पास पैसा नहीं है जो हम केस लड़ेंगे। ये जमीन आपका है ना? ये गोबहन मेरा ससुर का है।